है उत्तराखंड की सियासत से आ रही एक बड़ी खबर इस वक्त जो सुर्खियां बनी हुई है, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें उत्तराखंड के कांग्रेस गलियारों से यह आ रही है कि किशोर उपाध्याय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के दिग्गज, गढ़वाल के बड़े ब्राह्मण चेहरे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यह बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर यह भी है कि जो सूची का इंतजार किया जा रहा था कल देर रात, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी का जिक्र करें या फिर कांग्रेस का, तो कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट जारी हुई है, कांग्रेस में नरेंद्रनगर सीट पर ओम गोपाल रावत पर दाव खेला है। ओम गोपाल रावत जो कि बीजेपी से बागी हुए, अब कांग्रेस ने दामन थाम लिया कांग्रेस में। और ये पिछले एक हफ्ते से अटकलें लगाई जा रही थी कि ओम गोपाल रावत नरेंद्रनगर से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। डोईवाला गौरव चौधरी चेहरे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मैं लिस्ट पढ़ूंगा, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुभाष गौड़ भी इस वक्त जुड़ चुके हैं जो पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सुभाष मेरे साथ मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। सुभाष के पास भी हम सीधा रुख करेंगे। और आपको यह भी बता दे इस सूची में दिलचस्प कई और किस्से भी छिपे हैं। रुड़की से आपको बता दें कि यशपाल राणा प्रत्याशी बनाए गए हैं, ज्वालापुर से रवि बहादुर प्रत्याशी बनाए गए हैं, हरिद्वार ग्रामीण अनुपमा रावत प्रत्याशी बनाई गई हैं। हरीश रावत की बेटी हैं अनुपमा। और चोबट्टा खाल यानी हरक सिंह रावत का नाम इस लिस्ट में नहीं है। और अब यहां पर सल्ट की बात करें तो रणजीत रावत सल्ट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दिलचस्प खबर यह है कि हरीश रावत शिफ्ट कर दिए गए हैं लालकुआ से वो चुनाव लड़ेंगे। पहले बिल्कुल क्लियर था कि लालकुआ से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो रामनगर सीट की तरफ कूच कर रहे थे। कालाडूंगी से महेश शर्मा का नाम सामने आ गया, पहले महेंद्रपाल सिंह थे, महेंद्रपाल सिंह को रामनगर शिफ्ट कर दिया गया है। ये बड़ी खबर। लेकिन इससे बड़ी खबर सुभाष के पास है। सुभाष क्या खबर आपके पास, किशोर उपाध्याय क्या वाकई बीजेपी में शामिल हो गए? जी बिल्कुल, किशोर उपाध्याय ने भाजपा का दामन थाम लिया। और कल जिस तरीके से देर रात में कांग्रेस की जो फाइनल लिस्ट है वो आई थी, लेकिन उस लिस्ट में ये कहा जा सकता है कि टिहरी विधानसभा सीट से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। और इसी से लगाया जा सकता था कि किशोर उपाध्याय किसी भी समय भाजपा का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि प्रत्याशियों का लगभग लगभग चयन पूरा हो गया था। लेकिन आज सुबह ही किशोर उपाध्याय ने उत्तराखंड भाजपा कार्यालय में आकर अपनी ज्वाइनिंग दी। और ज्वाइनिंग में ये कहा जा सकता है प्रदेश के तमाम बड़े चेहरे नजर आए, चाहे उसमें अजय भट्ट हो, रमेश पोखरियाल निशंक हो, प्रदेश अध्यक्ष उसमें मौजूद थे, साथ ही प्रहलाद जोशी उस जॉइनिंग में शामिल थे। कुल मिला के कहा जा सकता है किशोर उपाध्याय के लिए बीजेपी ने भी अपना जो टिहरी का टिकट है वो रोक कर रखा था। और आज शायद टिहरी से नामांकन भी किशोर उपाध्याय जल्द करा सकते हैं। और जल्द ही बीजेपी की जो दो सीटें बची हुई है, बीजेपी ने जो प्रत्याशियों में दो सीटें छोड़ी हैं, उनका भी आज जल्द से जल्द नाम सामने आ जाएगा। लेकिन बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस के बड़े चेहरे, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व बड़े कद्दावर नेते किशोर उपाध्याय आज भाजपा में शामिल हो गए। जी बिल्कुल सुभाष, लेकिन क्या नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि किशोर उपाध्याय को? और ये नाराजगी के पीछे की वजहें कई हैं। खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर गिरे हरीश रावत। और याद करिए हरीश रावत ने पिछले एक हफ्ते पहले ही ये संकेत दे दिया था, और एक हफ्ते से भी ज्यादा, कि कांग्रेस में अब किशोर उपाध्याय की लगता है कोई जगह नहीं है। वो ये कह रहे कि दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो यानी कि पहले से ही खिचड़ी पक रही थी। वो रेस कोर्स वाली तस्वीरें जहां अंधेरे में बंद कमरों में मुलाकातों का दौर चल रहा था किशोर उपाध्याय का। जी बिल्कुल, ये तो साफ है कि किशोर उपाध्याय की लगातार मुलाकात बीजेपी के बड़े लीडर से हो रही थी, और शायद वो इंतजार कर रहे थे कि जल्द वो बीजेपी में ज्वाइनिंग करेंगे। लेकिन शायद उनकी जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई थी और न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने वो वीडियो प्रमुखता से भी दिखाई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से चौंकाने वाली स्थिति में आ गई थी। कांग्रेस की आंखें खुल गई थी और कांग्रेस ने उस वीडियो का संज्ञान भी किशोर उपाध्याय से लेने की कोशिश की, लेकिन किशोर उपाध्याय कोई सटीक जवाब अपने संगठन को नहीं दे पाए। और यही वजह थी कि संगठन ने उन्हें तमाम जो पद थे, जिन पदों में वो अभी तक कांग्रेस की तरफ से काम कर रहे थे, उन पदों से हटा दिया था। हालांकि पार्टी में जरूर वो बरकरार थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण उनको पद दिए गए थे संगठन की तरफ से, उन पदों से उन्हें पदमुक्त कर दिया गया था। और इसके बाद किशोर उपाध्याय भी मीडिया से पूरी तरीके से गायब नजर आ रहे थे। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद
डैमेज कंट्रोल कर दिया जाएगा, किशोर उपाध्याय को समझा लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से पहली लिस्ट में भी उनका नाम नहीं आया, दूसरी लिस्ट में भी उनका नाम नहीं आया, और कल जो तीसरी लिस्ट देर शाम आई उसमें भी उनका नाम नहीं आया, तो उसके बाद उन्होंने आज सुबह भाजपा का दामन थाम लिया जी। लेकिन इस लिस्ट को देखें जो कांग्रेस के घर से आया, क्योंकि मैं बीजेपी की लिस्ट की बात करूंगा, लेकिन कई चौंकाने वाले नाम यहां पर भी हैं। नरेंद्रनगर में ओम गोपाल रावत, जिसकी आशंका हम पहले ही जता रहे थे कि ओम गोपाल रावत कांग्रेस के संपर्क में है, वही हुआ सुभाष बिल्कुल नरेंद्रनगर से इंतजार ओम गोपाल रावत का कांग्रेस कर रही थी, और हम लगातार ये बता भी रहे थे कि ओम गोपाल रावत कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में है, और नरेंद्रनगर जो सीट है वहां से ओम गोपाल रावत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव के मैदान में उतरेंगे। ये साफ है कि सुबोध उनियाल और ओम गोपाल रावत दोनों ही कद्दावर नेता है, लेकिन इस बार नरेंद्रनगर जो सीट है वो हॉट सीट बनती हुई जा रही है, क्योंकि दोनों ही बड़े नेता उस सीट पर लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है 2017 से पहले सुबोध उनियाल कांग्रेस के टिकट पर नरेंद्रनगर से लड़ते थे और ओम गोपाल रावत बीजेपी के टिकट पे, लेकिन 2022 में दोनों ही अलग अलग पार्टियों से नजर आएंगे। सुबोध उनियाल बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे तो ओम गोपाल रावत कांग्रेस के टिकट पर नरेंद्रनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कांग्रेस ने नरेंद्रनगर पर एक बड़ा दाव खेला, और बड़ा चेहरा ये कहा जा सकता है, युवा चेहरा उन्होंने मैदान पर उतारा है जी। लेकिन दिलचस्प खबर इस पूरी लिस्ट में सुभाष, जिसका जिक्र लगातार न्यूज वन इंडिया कर रहा था, कि हरीश रावत को अब रामनगर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रामनगर में जिस तरह का विरोध हो रहा था हरीश रावत का, उससे हरीश रावत भी असहज से, कहीं ऐसा ना हो कि 2017 की गलती करने जा रहे हैं, अब वही हुआ, हरीश रावत लालकुआ मूव कर गए। बिल्कुल लाल कुआं पहुंचे हरीश रावत, और रंजीत रावत को भी सल्ट वापस भेज दिया। कुल मिला के कहा जा सकता है कि ना वो सीट से खुद लड़े, ना ही उन्होंने रंजीत रावत को लड़ने दिया। लेकिन ये जरूर है कि महेश पाल सिंह, जो कि काला ढूंगी से तैयारी कर रहे थे, जिन्हें काला ढूंगी पार्टी ने टिकट दिया था, उनको मूव करा दिया गया है रामनगर, और उनको कहा गया आप रामनगर से विधानसभा का चुनाव लड़े। लेकिन काला ढूंगी में महेश शर्मा को जगह दी है, यानी कि उन पर दाव खेला है कांग्रेस ने, और कहा कि आप यहां से चुनाव लड़े। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक डोई वाला विधानसभा सीट जो अभी तक बीजेपी की तरफ से भी हॉट सीट बनी हुई और कांग्रेस की तरफ से भी हॉट सीट बनी हुई थी, उस सीट पर गौरव चौधरी, बिल्कुल गौरव चौधरी को मौका दिया गया है। ये परवा दून के जिला अध्यक्ष भी हैं, और कहा जा सकता है कि इन पर दाव खेलने की कोशिश कांग्रेस ने की है। लेकिन इसके साथ ही लाल कुआं में बात किया जाए तो संध्या को भी ये पहले टिकट दिया गया था, और उनको अब हटा दिया गया, और हरीश रावत अब वहां पहुंच गए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बड़ा फेरबदल कांग्रेस ने अंतिम समय में किया है। और अब बड़ी चीज ये है कि किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो गए तो कांग्रेस टिहरी से किसको मैदान में उतारती है। बिल्कुल, लेकिन एक दिलचस्प खबर इसमें और भी है सुभाष। हरीश रावत ने खुद की सीट तो बदल ली, वो चले गए अब लाल कुआं, लेकिन बेटी को हरिद्वार ग्रामीण से उतार दिया अनुपमा रावत, अब जो है प्रत्याशी बन गई। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद क्योंकि इस बगावत के बाद जिस तरीके से रंजीत रावत रामनगर सीट पर बगावत कर रहे हैं, तो उसके बाद शायद हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनाव लड़े। लेकिन जिस तरीके से अनुपमा रावत पर ही उन्होंने भरोसा जताया और अपनी सीट उन्होंने लाल कुआं करी, तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि अनुपमा रावत के लिए उन्होंने जरूर रास्ते खोले। लेकिन एक बड़े चौंकाने वाली बात इस पूरी लिस्ट में ये भी है कि उम्मीद ये भी कही जा रही थी कि हरक सिंह रावत को शायद विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा और चौपटिया काल से उन्हें सतपाल महाराज के सामने रखा जाएगा, लेकिन केसर सिंह को उस सीट पर प्रत्याशी बना दिया, और ये कहा जा सकता है इसी के साथ हरक सिंह का जो विधानसभा चुनाव लड़ने का जो सपना था वो पूरी तरीके से कांग्रेस ने खत्म कर दिया। अब वो केवल चुनाव लड़ाते हुए नजर आएंगे। हरक सिंह रावत लड़ना भी चाह रहे थे कि नहीं लड़ना चाह रहे थे, क्योंकि फिर ये बात हो जाती कि पुत्र वधू को भी टिकट दिला दिया और खुद भी टिकट ले लिया, और चौबट्टा खाल वैसे भी अनसेफ सीट थी, दम तो भरते हैं कि भैया मैं कहीं से भी लड़ूंगा चुनाव जीत जाऊंगा, लेकिन चौबट्टा खाल सतपाल महाराज के सामने दिक्कत तो थी ही, कैरियर दाव पे था। बिल्कुल, लेकिन ये कहा जा रहा था कि हरक सिंह रावत चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने इच्छा जाहिर कर दी थी कि वो चौबट्टा खाल से भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंतिम समय में उनका टिकट काटा गया क्योंकि विरोध ज्यादा पार्टी के अंदर बढ़ जाता, क्योंकि पुत्र वधू के लिए भी बड़ा विरोध किया जा रहा है पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा, और अब जिस तरीके से ये कहा जा सकता है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश पूरी तरीके से कांग्रेस करती है, क्योंकि लैंसी टाउन से जो महिलाएं लगातार तैयारी कर रही थी उनमें से एक को महिला प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, यानी कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश लैंसी टाउन सीट पे कांग्रेस ने की है। लेकिन यदि कहा जा सकता है कि कोटद्वार के साथ अब जिस तरीके से चौपटिया खाल हरक सिंह रावत मूव कर रहे थे तो चौपटिया खाल में बड़ा विरोध उनका हो सकता था, इसलिए सरकार और पार्टी नहीं चाहती थी, खासतौर से
कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि उनको वहां से टिकट लड़ाया जाए, और इस वजह से उनको फाइनल समय में उनका नाम वहां से काटा गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब हरक सिंह रावत चुनाव तो लड़ाएंगे, लेकिन चुनाव पूरी कांग्रेस को लड़ाएंगे या अपनी पुत्र वधु के लिए वो चुनाव के मैदान में उतरेंगे और उनको लड़ाने के लिए वो पहुंचेंगे। लेकिन लेकिन सुभाष, एक और दिलचस्प खबर इसमें ये भी है कि अगर हम जिक्र करें इस पूरी सूची का, तो सल्ट से रणजीत रावत को मूव करने में हरीश रावत कामयाब हुए। अगर मैं भी नहीं लड़ूंगा तो आप भी नहीं लड़ेंगे, ये वाली कहानी हो। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि यदि हरीश रावत रामनगर सीट से विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने लाल कुआं का रुख किया, तो उन्होंने रंजीत रावत को भी सीट से चुनाव नहीं लड़ने दिया। उन्होंने कहा कि आप भी सल्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो आपकी पैतृक सीट है और लगातार आप वहीं से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन गुटबाजियों के कारण शायद ऐसा ना हो कि कांग्रेस को बड़ा खामियाजा 2022 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के समीकरण अभी तक बन रहे थे, कांग्रेस जिस तरीके से मैदान में उतर रही थी, तो स्थितियां थोड़ी साफ हो रही थी कि बेहतर विधानसभा पहुंचेंगे उनके विधायक और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से गुटबाजी खुलेआम टिकटों पर नजर आ रही है, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अभी भी कोशिश की जा रही है कि इन सभी को मना लिया जाए और बेहतर तैयारी इनकी जिस भी विधानसभा सीट से जो प्रत्याशी तैयारी कर रहा है। बीजेपी वाली सूची में जाना चाह रहा हूँ, लेकिन सुभाष, कांग्रेस में अब कितने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है? बिल्कुल, एक कहा जा सकता है टिहरी विधानसभा सीट जो है वो रह गई है, और टिहरी विधानसभा सीट से अब किसको उतारते हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो प्रत्याशी थे किशोर उपाध्याय, कांग्रेस को इस बात का इल्म था कि किशोर उपाध्याय बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, तो प्लान बी तो तैयार होगा हरीश रावत का, ऐसा तो नहीं है कि प्लान बी नहीं होगा? बिल्कुल, प्लान बी तैयार जरूर किया गया था, और कई सारे उम्मीदवार भी ये कहा जा सकता है कि टिहरी विधानसभा सीट से पहले ही लोगों पहुंच चुके थे। लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस पर भरोसा किया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। उम्मीद ये की जा रही है कि लगभग 1 से 2 घंटे के भीतर कांग्रेस की जो टिहरी विधानसभा से प्रत्याशी है उसका नाम का ऐलान वो कर देंगे, और इसके साथ ही बीजेपी भी अपने जो प्रत्याशी जो छूट गए हैं उनका ऐलान जल्द कर सकते हैं। तो उम्मीद ये साफ है कि लगभग चंद घंटों के बाद ही दोनों ही सूचियां, यानी कि दोनों ही पार्टियों की सभी 70 विधानसभा के प्रत्याशियों की सूची सामने आ सकती है। जी सुभाष, मैं अब बीजेपी वाली सूची पर भी आना चाहूंगा, और बीजेपी में भी कई चौंकाने वाले फैसले हुए हैं कल देर रात। आज सियासी कोहरा, क्योंकि आज कोहरा भी छट गया, आपके पीछे भी आज धूप खिली हुई है और ये सियासी कोहरा भी आज छट गया है, और ये आशंकाएं जताई जा रही थी, और उसी पर आज जो है काफी दिलचस्प सूची बीजेपी के घर से भी आई है, और सुबह सुबह जिन्होंने ये सूची देखी होगी वो हैरान और परेशान जरूर हुए होंगे, क्योंकि जिसका जिक्र हम कर रहे थे लगातार इस बात का विरोध एक खेमा भी जता रहा था कि आप ये गलत खबर चला रहे हैं, लेकिन वो खबर पर मोहर एक बार फिर से लगी। रुद्रपुर में शिव अरोड़ा को टिकट बीजेपी ने दे दिया, मैं बीजेपी की सूची की बात कर रहा हूं। अब रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल का टिकट जो है वो कट गया, शिव अरोड़ा को टिकट मिल गया, चौंकाने वाला फैसला। सुभाष जी, बिल्कुल, हम लगातार ये बात कह रहे थे कि राजकुमार ठुकराल के क्योंकि 2 बार से विधायक हैं, लेकिन इस बार शायद उनका टिकट कट सकता है, क्योंकि जनता के बीच और जिस तरीके से उनका व्यवहार है उसके बाद पार्टी को लग रहा था कि शायद उनको अगर टिकट देने के बाद मैदान में उतारेंगे तो पार्टी को उसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और यही वजह है कि रुद्रपुर से शिव अरोड़ा जो कि उनके जिला अध्यक्ष भी हैं उनको मैदान में उतारा। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी चीज ये है कि झबरेड़ा विधानसभा सीट से भी देशराज कर्णवाल का टिकट काट दिया, यानी कि 2 सिटिंग विधायक जो बात कही जा रही थी उन 2 सिटिंग विधायकों का टिकट भाजपा ने फिर काटा है, चाहे वो झबरेड़ा से देशराज कंडवाल हो या फिर रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल हो, दोनों ही सिटिंग विधायकों का टिकट भाजपा ने काट दिया है। लेकिन एक चौंकाने वाली जुड़े थे कार्यक्रम में सुभाष, तब देशराज कंडवाल की यही मांग थी कि भाई मेरा टिकट तो आप काट रहे हैं, उनको पहले इस बात का इल्म था कि मेरा टिकट कटने वाला है, कम से कम मेरी बीबी को टिकट दे दो, अगर रानी साहिबा को आप टिकट दे सकते हैं तो चैंपियन साहब की धर्म पत्नी को। जी बिल्कुल, उन्होंने ये बात रखी भी थी, पार्टी के समक्ष भी रखी थी, और लगातार वो ये बात रख रहे थे कि यदि मेरा टिकट काटा जाता है किसी वजह से तो उनकी जो धर्म पत्नी है वो बेहतर काम करती है, बड़ी कद्दावर नेता उस क्षेत्र की, उनको टिकट देना चाहिए जिस तरीके से चैंपियन की पत्नी को टिकट दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला सवाल है कि यहाँ राजपाल सिंह को झबरेड़ा से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया और चुनाव के मैदान में उतारा, तो कुल मिला के 2 जो सिटिंग विधायक है दोनों ही सिटिंग विधायकों के टिकट पूरी तरीके से काटे गए हैं। और इसके साथ ही बड़े चौंकाने वाला सवाल ये भी है कि कोटद्वार विधानसभा सीट से
कोटद्वार विधानसभा सीट से रितु खंडूरी को प्रत्याशी बनाया गया। कोटद्वार से इससे पहले हरक सिंह रावत विधायक थे, लेकिन रितु खंडूरी जो विधायक थी वो यमकेश्वर की थी, और जैसे ही उनका टिकट काटा गया था यमकेश्वर से, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि महिलाओं की जो बात बीजेपी करती है। बिल्कुल, सुभाष का संपर्क हमसे टूट गया, सुभाष से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं दोबारा से। रितु खंडूरी को कोटद्वार से प्रत्याशी बनाया तो कहा जा सकता है कि फिर एक बार उन्हें चुनाव के मैदान में उतारा। और बड़ी चीज ये है कि कोटद्वार वो सीट है, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया कर रहा था कि जो खबरें आ रही हैं कोटद्वार से, यानी कि 2012 में जो पिता की हार थी उसका बदला लेने के लिए बेटी को रण में उतारा गया है, जो जख्म 2012 में भुवन चंद खंडूरी की हार से बीजेपी को लगे थे क्योंकि सरकार बनते बनते रह गई थी, 31 और 32 वाला खेल हो गया था, तो ऐसी स्थिति में अब पिता की हार का बदला कोटद्वार में जाकर बेटी लेगी। जी बिल्कुल, यही बात बिल्कुल सामने निकल कर के आ रही है कि जिस तरीके से पिता का जो हार का बदला था वो इस बार पुत्री लेती हुई नजर आ सकती है, और इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं, चाहे संगठन स्तर पर हो और बूथ स्तर पर हो, भाजपा बेहतर तैयारी कर रही है और भाजपा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि वहां रितु खंडूरी को जिताकर विधानसभा पहुंचाना, और 2012 का जो बदला है पिता का वो बेटी लेकर दिखाएगी। तो कुल मिलाकर इस तरीके से लगातार तैयारी की जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है एक बड़ा चौंकाने वाला सवाल ये भी है कि केदारनाथ विधानसभा सीट से शैला रानी रावत को एक बार फिर मौका दिया गया। वो मौका यानी कि 2017 में भी उनको मौका दिया गया था, और वो सबसे अंतिम कैंडिडेट रही थी, यानी कि कांग्रेस सबसे पहले रही थी, मनोज रावत रही थी, उसका निर्दलीय विधायक वहां से दूसरे नंबर पर थे, तीसरे नंबर पर इनकी पार्टी से बगावत करने वाले आशा नौटियाल थी, और चौथे नंबर पर शैला रानी रावत थी। और इस बार भी ये कहा जा रहा था कि शायद आशा नौटियाल को टिकट दिया जाएगा तो बीजेपी सीट निकाल सकती है, और यदि शैला रानी रावत को टिकट दिया जाता है तो बीजेपी ये सीट गंवा सकती है, लेकिन अंतिम समय में कहा जा रहा है कि शैला रानी रावत को फिर से टिकट दिया गया और जो आशा नौटियाल है उनका टिकट काटा गया। तो कहा जा सकता है कि समीकरण कुछ सोच समझ के बीजेपी ने बदले, और कुल मिलाकर बीजेपी के दो टिकट रावत का जो रिस्क फैक्टर था, क्योंकि हरक सिंह रावत को लेकर भी संशय था कि कहीं ऐसा ना हो बीजेपी में रहते हुए केदारनाथ मूव कर जाए, तो मैडम को इस बात का भी संशय था कि कहीं ऐसा ना हो मेरी टिकट भी कट जाए। बिल्कुल शुरुआती दौर में यही कहा जा रहा था कि हरक सिंह रावत जब बीजेपी में थे तो वो केदारनाथ मूव ना कर जाए, और इसके लिए तमाम वहां के क्षेत्रीय नेता, चाहे वो शैला रानी रावत हो, आशा नौटियाल हो, तमाम और नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, भाजपा कार्यालय में संगठन से बात करते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि इस तरीके से नहीं किया जाएगा, जो जिस क्षेत्र का नेता है, जो जिस क्षेत्र में काम करता है उसको ही टिकट दिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी को भी दिया जाए लेकिन क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए। जिसके बाद हरक सिंह रावत ने यह भी बयान दिया था कि मैं पाकिस्तान से नहीं आया हूं, मैं भी उत्तराखंड का निवासी हूं। तो कुल मिलाकर ये तो साफ है कि शैला रानी रावत को केदारनाथ से प्रत्याशी बना दिया गया। इसके साथ ही प्रियान कलियर से भी ये कहा जा सकता है, मुनीष सैनी पर भरोसा बीजेपी ने किया। इसके साथ ही रानीखेत से प्रमोद नैनवाल पर भरोसा किया, जागेश्वर से मोहन सिंह मेहरा पे किया गया, लालकुआ से मोहन सिंह बिष्ट पर किया गया, और हल्द्वानी से मोहन सिंह बिष्ट वर्सेस हरीश रावत होगा मुकाबला। बिल्कुल हरीश रावत वर्सेस मोहन सिंह बिष्ट मुकाबला होगा। और इसके साथ ही हल्द्वानी में जागेंद्र पाल सिंह रोतेला पर भरोसा किया। कुल मिला के कहा रोतेला शायद ये मेयर भी रहे हैं वहाँ हल्द्वानी में। बिल्कुल मेयर रहे हैं, और कहा जा सकता है कि कद्दावर नेता भी हैं। हल्द्वानी में हॉट सीट बन सकती है क्योंकि जिस तरीके से इंदिरा हृदयेश की बेटी और जोगिंदर पाल सिंह के बीच में इस बार कड़ा मुकाबला होगा, तो कहा जा सकता है कि हॉट सीट के तौर पर हल्द्वानी सीट भी देखी जा सकती है, क्योंकि मूल रूप से ये सीट लगभग लंबे समय से कांग्रेस के पाले में रही है, लेकिन इस बार जोगिंदर पाल सिंह पर जिस तरीके से भरोसा बीजेपी ने किया है तो कहा जा सकता है कि जो प्रत्याशी बीजेपी ने मैदान में उतारे हैं कहीं ना कहीं मजबूत कैंडिडेट उन्होंने अंतिम समय में मैदान में उतारे। और कई बार ये कहा जा सकता है कि बातचीत करने का दौर हुआ, कई बार संगठन से बातचीत हुई, क्षेत्रीय लोगों से बातचीत हुई, उसके बाद जाकर ये टिकट फाइनल हुए हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी में दो टिकट बाकी हैं, जिसमें से एक टिकट तो लगभग फाइनल समझिए टिहरी का, जिससे किशोर उपाध्याय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक बिल्कुल और एक जो अंतिम सीट है वो है डोईवाला विधानसभा सीट, जहां से विधायक थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। अभी इंतजार इस बात का है कि आखिरकार इस बार डोईवाला से कौन सा जो चेहरा होगा वो मैदान में उतारा जाएगा, वो चेहरा कौन होगा आपको दिखाई दे रहा है जो इस वक्त जो मजबूत दावेदार दिखाई दे रहा है बीजेपी में? बिल्कुल, ये कहा जैसे यूथ की तरफ से अगर देखा जाए तो सौरभ थपलियाल एक मजबूत कैंडिडेट वहां से हो सकते हैं, और पिछले लंबे समय से वो प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये कही जा रही है और बात भी ये कही जा रही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जिसके लिए कहेंगे उसको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। तो इंतजार ये है कि करीबी भी कोई दावेदार है? बिल्कुल, त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो ओएसडी है धीरेन्द्र प्रताप,
उनको भी मैदान में उतारने की बात कही जा रही है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि धीरेन्द्र प्रताप पिछले 5 सालों में उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जब से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बने, उसके बाद से वो उन क्षेत्रों में ओएसडी के तौर पे नहीं, एक प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे, और अंतिम समय में उन्होंने भी दावेदारी की है उस विधानसभा से चुनाव लड़ने की। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आखिरकार किस पर भरोसा करती है बीजेपी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके अलावा और कई बड़े चेहरे, कई ये कहा जा सकता है कि आउटडोर से भी कई लोगों को डोईवाला विधानसभा सीट में उतारा जा सकता है। तो कुल मिलाकर इंतजार है केवल डोईवाला और टिहरी विधानसभा का, क्योंकि टिहरी का तो चेहरा साफ हो चुका है। सुभाष, पिछले 4 दिन से तो कांग्रेस के घर में जो पहली लिस्ट आई तो चिंगारी लगी, दूसरी लिस्ट आई तो आग का गोला बन गई। आज इस लिस्ट के आने के बाद क्या फायर ब्रिगेड का ये काम करेगी या फिर ये चिंगारी और भड़केगी, क्या लगता है आपको? कांग्रेस के घर की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल, कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि लिस्ट जारी करने से पहले कल दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 से 9 बजे तक बैठकों का दौर चला, जिसमें नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहे, हरीश रावत रहे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल रहे। ये कहा जा रहा था जो गुटे हैं, गुटों को एक साथ देखना मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरीके से कल टिकट का बंटवारा किया जाना था, फाइनल लिस्ट सामने लानी थी, तो उसके बाद मंथन कांग्रेस की तरफ से किया गया और फाइनल डिसीजन इस पर लिया गया। लेकिन अभी कोशिश ये है कि क्योंकि अंतिम समय में टिकट दिए गए हैं, तो शायद पार्टी की तरफ से सबको शांत करने की भी कोशिश की जा रही है, संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लोगों को देने की बात कही जा रही है, तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश में कांग्रेस भी लगी। लेकिन कांग्रेस का रिकॉर्ड है कि कांग्रेस कांग्रेस को हराती है, और 2022 में शायद ऐसा ना हो, उसके लिए तमाम बड़े नेता कोशिश कर रहे हैं कि सबको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। सुभाष, एक बात और, यानी कुल मिलाकर, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, फिर उसके बाद इस कार्यक्रम को हम माइंड अप कर रहे हैं। ये बड़ी खबर हुई आज, जो 3 बड़ी खबरें दिखाई देंगी। एक बड़ी खबर किशोर उपाध्याय, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। किशोर उपाध्याय वही जो गढ़वाल के बड़े ब्राह्मण चेहरे थे और जिन्हें कांग्रेस के घर के भीतर राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। और दूसरी बात ये कि जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनवाने के लिए हरीश रावत ने खूंटा गाड़ दिया था। दूसरी बात, रुद्रपुर बड़ी खबर रहेगी, क्योंकि शिव अरोड़ा का आना, राजकुमार ठुकराल का पत्ता कटना, यानी सियासी ड्रामा पक्का। और तीसरी बड़ी खबर जो मुझे दिखाई दे रही है इसमें, कि हरिद्वार ग्रामीण, जहां से अनुपमा रावत को टिकट दे दिया, अब कांग्रेस के घर के भीतर और बीजेपी आक्रामक होगी हरीश रावत पर कि परिवारवाद की आपने नींव डाल दी। सुभाष, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। जी बिल्कुल, तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं कि जिस तरीके से पहली बात आपने कही किशोर उपाध्याय, बिल्कुल किशोर उपाध्याय राहुल गांधी के बहुत खास माने जाते थे, और क्योंकि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री बने थे उसके साथ ही उन्होंने ये भी कोशिश की थी कि किशोर उपाध्याय को फिर से मजबूत किया जाए, क्योंकि उससे पहले किशोर उपाध्याय राजनीति थी एक तरीके से गायब नजर आ रहे थे, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया, बड़ी जिम्मेदारी संगठन में उनको दी गई। लेकिन ये कहा जा सकता है किशोर उपाध्याय और हरीश रावत की अनबन उसके बाद शुरू हो गई थी, लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस का दामन छोड़कर वो बीजेपी में चले गए, तो हैं कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी क्षति कांग्रेस को जरूर हुई है। लेकिन इसके साथ ही जैसे दूसरे आपने कहा कि राजकुमार ठुकराल का टिकट काटकर शिव अरोड़ा को दे दिया गया है रुद्रपुर में, तो कहीं ना कहीं इस पर बवाल होना बिल्कुल संभव है, क्योंकि राजकुमार ठुकराल बवाली विधायकों में से भी गिने जाते हैं, चाहे वो विधानसभा सदन के दौरान देखा जाए या अपने क्षेत्रों में देखा जाए, तो बवाल होना स्वाभाविक सी बात है कि बवाल जरूर होगा, लेकिन किस तरीके से बवाल होता, किस तरीके से संगठन उनको समझाता, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जैसे कि आपने तीसरा कहा कि अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण से हरीश रावत ने टिकट दिया और परिवारवाद को आगे बढ़ाया, तो कहा जा सकता है कि अनुपमा रावत वैसे तो पिछले 5 से 10 सालों में बेहतर काम उन क्षेत्र में कर रहे थे, जनता के बीच थी, लेकिन क्योंकि ये कहा जा रहा था कि परिवारवाद को बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस करती है, बीजेपी करती है, परिवारवाद पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरती हुई नजर आती थी, लेकिन जिस तरीके से हरीश रावत ने अपनी पुत्री को टिकट दिलाया उसके बाद परिवारवाद में कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक नंबर ज्यादा मिलेगा, और इस वजह से शायद बीजेपी उनको घेरती हुई नजर आएगी। जी चलिए सुभाष, ग्राउंड जीरो पर आप बने रहिए, आज कुछ एक्सक्लूसिव खबरों की उम्मीद है आपसे, सियासी धमाका उम्मीद है आपसे। सुभाष गौड़, एक बार फिर से आप सियासी धमाका करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे ग्राउंड जीरो से, लेकिन यहां पर दिलचस्प बात यह है, जो खबर सामने आ रही है वो खबर पर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर पर मोहर लगती है, क्योंकि चाहे बात
रुद्रपुर की हम करें, लगातार शिव अरोड़ा का जिक्र हम कर रहे थे, जिस बात को लेकर राजकुमार ठुकराल के करीबी भी नाराजगी जता रहे थे कि आप किस आधार पर शिव अरोड़ा का नाम चला रहे हैं। हम इसी आधार पर चला रहे थे, इसी आधार पर चला रहे थे। दूसरी बड़ी खबर जिस पर मोहर लगी, रितु खंडूरी का जिक्र लगातार, आप न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टाइमलाइन पर जाइएगा, रितु खंडूरी का जिक्र लगातार हम कर रहे थे कि रितु खंडूरी को कोटद्वार से टिकट मिलना लगभग तय है, पिता की हार का बदला बेटी लेंगी, ये बात लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया बता रहा था, उस खबर पर भी मोहर लगी। और तीसरी बड़ी खबर जो हमने कल ब्रेक की थी कि हरीश रावत रामनगर छोड़ने जा रहे हैं, अब वो कौन सी सीट होगी उस पर संशय था, लेकिन यह भी तय था कि हरीशचंद दुर्गापाल इस जिद पर अड़े थे कि हरीश रावत यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उस खबर पर भी मोहर लग गई। तो फिलहाल इस बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family.